गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, वणक्कम। वंस अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू स्पीक टू यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ टू बिल्ड मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कैरियर। आज आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। ये मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की प्रोफेशन है, इसको अपन कैसा आगे बढ़ा जाए, कैसे सक्सेसफुल किया जाए जा सकता है, उसके बारे में आज आप लोगों को मैं बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने बी फार्मेसी किया है, उसके बाद एमबीए भी किया है। मैंने प्रोडक्शन में जाने के लिए बहुत कोशिश किया, मुझे अच्छा लगा जाके उधर मेडिसिन वगैरह मैन्युफैक्चर करेंगे करके, लेकिन संभव मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो अपन मार्केटिंग में जाएंगे। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं थी। चलो अपने एमआर बनेंगे करके एमआर बनाने के लिए मैंने एमआर जॉब के लिए मैं बहुत सारा इंटरव्यू दिए हैं, करीब 50-60 इंटरव्यू दिया रहेगा। कभी ईयर 1998 में मैं फार्मा बैकग्राउंड का था, लेकिन मुझे कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं किया। सारे बड़े बड़े कंपनी को इंटरव्यू मुंबई में हुआ करते थे और तमिलनाडु भी हुआ करते थे, तमिलनाडु वहाँ से भी मैं कोशिश किया, लेकिन मुझे कोई लोग पसंद नहीं किया। क्यों? मेरा लैंग्वेज भी अच्छा नहीं था, मेरा विचार अच्छा नहीं थी, नॉलेज नहीं था, एकदम रहा था। सो फिर मुझे बहुत दुख हुआ, कैसे करें। फिर अचानक एक इंटरव्यू लास्ट एक ऐसा एक टाइम आ गया था, मैं दूसरा पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, एक क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा था इधर महालक्ष्मी मुंबई में, महालक्ष्मी करके एक स्टेशन है वेस्टर्न सबर में, सब बॉम्बे में, उसका ब्रिज के नीचे एक क्रेडिट कार्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड बेचने वाला एक ऑफिस में ज्वाइन किया। उधर भी एक भी सेल नहीं हो रहे थे। उसके पहले मैंने इधर अंधेरी ईस्ट में महाकाली करके एक एरिया है, उधर एक बंगाली मैनेजर है, वो डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो प्राइस क्लब करके एक क्लब रखते थे। उसमें सुबह जाने के बाद वो लोग एक 20-25 प्रोडक्ट आपके पास दे देंगे, आपको खुली जैसा उधर आपको शोल्डर में रखना है, रखे पूरा एरिया में, कौन सा में जाएगा, हर दरवाजे में कट करने का, आपको किचन आइटम्स वेयर सेल करने का, सेल करेगा तो आप 20 पीस, आपको 20 पीस भेजना है, 20 पीस भेजा तो उस आपको 30% कमीशन मिलेगा और एक पीस आपको फ्री मिलेगा, वो भी आप भेज सकते हैं। और एक बार 20 पीस सेल किया तो आपको हीरो बना जाएगा, आपको सब लोग आपको ताली बजाएंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे, ऐसा एक बढ़िया कल्चर था उधर, एक नहीं। सो करीब में 3 महीने उधर काम किया। 3 महीने काम करने के बाद 2 बार मैंने ऐसा बेल बजाया, ओके, उसको बोलते हैं बेल, एक नहीं। वो कैसा बजाया, एक BSNL ऑफिस है अंधेरी में, उधर एक साउथ इंडियन टीम थी, ओके, उनको मैं तमिल में बात किया, तमिल में बात करके उनको कन्विंस कर डाला, है कि नहीं। एक बार सेल हो गई। और दूसरा है एक सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल में रेलवे डिपार्टमेंट में रेलवे इंजीनियर, एक साउथ इंडियन इंजीनियर थे, है ना, वो बहुत बड़े पोस्ट में थे, उनके वो प्रोडक्ट पसंद आया, फिर मैं तमिल में बात किया, फिर मुझे एक सिंपथी क्रिएट करके उन्होंने पूरा स्टाफ को बोला ये परचेस करो करके। फिर ऐसे 2 बार मेरे को मेरा साउथ इंडियन दोस्त से मेरा सेल हुआ, लेकिन बाकी मैं सेल नहीं कर पाया, फ्रस्ट्रेटेड था। फिर मैं इधर क्रेडिट कार्ड बिजनेस करें करके मैं क्रेडिट कार्ड सेल के लिए आया, एक भी क्रेडिट कार्ड मैं बेचा नहीं, है ना, क्योंकि उसके मेरा टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, मैं कुछ भी बात नहीं कर पाता, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, तो वो सब मुझे ये जानकारी नहीं थी। फिर उधर भी मेरा कैरियर फेल हो गया था। फिर करीब 6-7 महीना ऐसा चल रहा था सिलसिला। फिर एंड में बोला चलो ये आखिरी इंटरव्यू है, एक कैडिला कंपनी के IRM करके एक न्यू डिविजन्स बना के उसमें रेप्स को सेलेक्ट कर रहे थे।
फिर उसमें मैं घुस गया इंटरव्यू के लिए, बैठा था। बैठने के बाद उन्होंने कुछ इंटरव्यू नहीं पूछा, उन्होंने एक एक 50 क्वेश्चन की उन्होंने एक क्वेश्चनर MCQ दे दिया। फिर वो MCQ देखा, MCQ देखने के बाद मुझे इतना खुश हो गया। मैंने 4 साल मेरा फार्मेसी की मेरा फर्स्ट टाइम बेनिफिट मिला। सो 50 क्वेश्चन थी पूरा अपना, मैंने बेसिक में फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ाई किया, फार्माकाइनेटिक्स और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारे चीज़ की मेरा जानकारी थी। सो उसमें से मेरा पूरा सवाल थी, मैंने 50 मार्क की मैंने 48 मार्क किया, 48 मार्क। सो आई वॉज टॉपर इन एंटायर ग्रुप। सो मुझे इंटरव्यू नहीं लिया गया, सो मुझे डायरेक्टली यू आर सेलेक्टेड, यू गो टू द ट्रेनिंग। अगर मुझे इंटरव्यू लेते थे शायद मुझे फेलियर में इंटरव्यू पास नहीं हो सकता था, लेकिन मेरा प्रोडक्ट नॉलेज इतना स्ट्रांग थी, मेरा सब्जेक्ट नॉलेज इतना स्ट्रांग थी। सो फिर उसमें मैंने 48 मार्क गेन किया। उस टाइम मेरे मैनेजर थे RBM मंगेश बोरडेवाकर करके, उन्होंने बोला जय कुमार आपने इतना मार्क किया है, सो यू गो टू द ट्रेनिंग, आपको इंटरव्यू नहीं है करके उन्हें बोला, मैं बच गया। सो मेरा कैरियर ऐसा शुरू हुआ है। फिर कैडिला ने मेरे को भेजा है इधर अहमदाबाद में, उनका नवरंगपुरा करके एक जगह है, उधर एक रिसॉर्ट है, उधर एक महीने की ट्रेनिंग थी जी कैडिला में। एक महीने ट्रेनिंग, इट वॉज वेरी टफ ट्रेनिंग, है ना, बहुत ही टफ। सुबह 5 बजे उठना है, 8 बजे तक ट्रेनिंग चलता रहेगा, फिर रात को आपको जाकर रूम पे जाकर पढ़ाई करना है, सुबह जाके उसके बारे में बोलना है, टेस्ट रहती है, बहुत सारा इश्यूज रहती है, वो सब आपको टैकल करना है। कैसे भी करके मैंने वो ट्रेनिंग पास कर दिया, 30 मिनट्स कंप्लीटेड। फिर ऐसा मेरा करियर शुरू हुआ है, शुरू होके ओके, फिर मैंने इधर महीम मटुंगा बांद्रा, ये 3 एरिया मेरे को अलॉट किया गया है, है ना। अभी जो क्या हुआ, काम करते करते कितना काम करना है, काम कर रहे हैं 3 महीने हो गए, साला एक भी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट नहीं हुआ, कामयाब नहीं है। रोज बॉस को फोन करने का, सब ये क्या हुआ, रोज फीडबैक देना, सुबह कौन सा कॉल को जाना है वो, फिर शाम को रात को सोने के पहले उसको रिपोर्टिंग देना है। फिर क्या हुआ है, मुझे कुछ सक्सेस स्टोरी नहीं मिल रही थी, बाकी सब लोग रोज ऑर्डर लेके आते थे, PO बिल आते थे, मुझे मैं देखता रहा, अरे सब लोग इतना काम कर रहे हैं, मुझे कुछ क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है। फिर एक लैक्टोसब करके एक प्रोडक्ट हुआ करता था, सेफाड्रॉक्सल 250 मिलीग्राम। महीम वेस्ट में एक डेंटिस्ट है, आई फॉरगॉट द नेम, वो मैडम है, मैडम से कैसा भी कन्विंस करके उनको मैंने बोला आप मेरे को ये प्रोडक्ट मेरे को लिखवाना है, इतना दिन आ रहा हूँ करके, कैसा भी तो कन्विंस करके उनको मैंने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन मैंने वहाँ से वो मैडम मेरे को दिया। मेरे को 3 महीने लग गया, 3 महीने करीब इतना लग गया, 3 महीने के बाद फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन मैं देखा, वही मेरा सक्सेस की फर्स्ट डे है। ये 3 महीने मेरा, मैं कितना टफ टाइम में मैं घुस रहा हूँ मुझे मालूम है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, मेहनत किया। और उसके नीचे वो डॉक्टर, वो डेंटिस्ट के नीचे थोड़ा वो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे एक सीनियर GP है, उनको मैं प्रोडक्ट बोला, उन्होंने मेरे को गाली दे के मुझे अखाल दिया था, इधर बाहर इधर आने के नहीं, मेरा क्लिनिक में आने के नहीं करके उन्होंने मेरे को गाली दे के मुझे भेज दिया था। सो ऐसा बहुत सारे सेटबैक थी, बहुत सारा इशू थी, लेकिन ये लैक्टोसब की फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है, वो मेरा लाइफ की टर्निंग पॉइंट है। वक्त लगा, बहुत मेहनत लगा, बहुत फुल वर्क किया, लेग वर्क किया, लेकिन वो मैडम को अभी भी याद रखता हूँ, उसको धन्यवाद करते हैं, वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ है। फिर उसके बाद मेरा सक्सेस रेट आने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर एक लगता है ना, एक बार आपने प्रिस्क्रिप्शन जनरेट किया अपने आप को, फिर क्या लगता, मजा आता है। फिर एक डॉक्टर से मैडम ये एक ग्रिप मिला, एक प्रोडक्ट लैक्टोसब करके एक प्रोडक्ट है, वो कैसा बेचना करके वो मेरे को ग्रिप मिला। फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक ये मेरा सक्सेस करके मैंने अपने आप को एक हार्ट बना लिया था, ये स्ट्रेंथ बना लिया था,
एक कैप्सूल बना लिया था, उसके ऊपर मुझे अंदर डालकर उसके ऊपर मैं काम करता था। फिर क्या हुआ, ये बांद्रा ईस्ट में अपना एमएजी ग्राउंड है, एमएजी ग्राउंड का ए बाजू में वन साइड में डॉक्टर डिगीगर करके, डॉक्टर डिगीगर आज भी रहेंगे उसके क्लिनिक, डॉक्टर डिगीगर करके एक डेंटिस्ट है, उसको मैंने कन्विंस कर डाला। वो कैसा कन्विंस का पता नहीं, लेकिन कन्विंस कर डाला। फिर उन्होंने मेरे को रोज 5-5 बॉक्स के ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन निकालने थे। उसके बगल में एक मेडिकल स्टोर है, केंजल मेडिकल स्टोर करके, केंजल ये बांद्रा ईस्ट में, वो एमएजी कॉलेज ग्राउंड में उधर। सो उधर मेरे को रोज 5-5 बॉक्स के ऑर्डर लेना था। फिर वो ऑर्डर क्या है, मेरा मेडिकल स्टोर इधर बोरीवली की ऑर्डर देते थे, बोरीवली, और बोरीवली से डिमांड आता था। सो वहाँ का सेल अचानक उड़ गया, रोज 5-5 वो 50 बॉक्स ऑर्डर दे रहे थे। फिर वो बॉस को पूछा ये कहाँ का प्रिस्क्रिप्शन है, फिर पता चला है ये बांद्रा की प्रिस्क्रिप्शन है। बांद्रा की कौन करता है, जय कुमार फोन करता है। करीब 6 महीने के बाद सब लोग मेरे को इतना स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, मेरा कलीग जय कुमार आपने बहुत बड़ा काम किया करके। सो 5 बॉक्स रोज 5 बॉक्स की है ना, 20 दिन कितना हो गया, 5, 10 दिन, 20 दिन, यानी मेरा 100 बॉक्स की मेरा ऑर्डर थी। मेरा कंपनी की सेल अचानक फटाक से बढ़ गया है। फिर मेरा एक डोमपेरॉन मेल्टैप करके एक प्रोडक्ट हुआ करते थे, डोमपेरॉन मेल्टैप, ये डोमस्टॉल की कॉम्पिटिटर, डोमस्टॉल की मेरा कॉम्पिटिटर डोमस्टॉल टोरेंट की, ये मेरा टेक्निक था मेल्टैप्स। ये मैंने सारे डॉक्टर को मैंने मेल्टैप्स की कॉन्सेप्ट है वो चिपका दिया, चिपका दिया मतलब मैं सारे प्रोडक्ट बोलता नहीं, एक ही प्रोडक्ट बोलता था, लैक्टोसेप डोमपेरॉन मेल्टैप। ये दो ही प्रोडक्ट में डॉक्टर को मेरे एरिया में बोलता था, सारे डॉक्टर ये मुझे जानते थे, लैक्टोसेप वाला और डोमपेरॉन मेल्टैप्स वाला। ऐसा मुझे एक आइडेंटिटी क्रिएट किया, मैंने कुछ आइडेंटिटी क्रिएट किया। सो इतना आइडेंटिटी क्रिएट हो गया, मेरा नाम ये मार्केट में रोशन आने लगा, ऊपर आने लगा। फिर कंपनी ने क्या किया है, एक सीक्रेट एजेंसी रखा है कैडिला कंपनी ने, क्या एक सीक्रेट एजेंसी कि सर मार्केट में हम जाने के बाद उन लोग फील्ड में जाके वो सर्वे करते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए करता ना, एमबीए ट्रेनी एमबीए को वो ऐसा सर्वे करने के लिए बोलता है। सो क्या हुआ, एक सर्वे करने के बाद सर्वे में निकला है ये बांद्रा मही मटुंगा, उसमें लैक्टोसेप और ये डोमपेरॉन मेल्टैप सबसे आगे है, कंपटीशन की और सेकंड नंबर वन नंबर टू ब्रांड की इतना डिफरेंट है। ये लैक्टोसेप भी सारे लिखते हैं और ये डोमपेरॉन मेल्टैप सब लोग लिखते हैं, एंड ऑल द पेडियाट्रिशियन स्टार्टेड राइट ऑल द, ये सब लोग अपना ये सीक्रेट एजेंसी उनका उनके पास चला गया। फिर उधर भी मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सभी सारे जीएस सारे कैडिला कंपनी के एक लीडरशिप मीटिंग हुआ करते थे ताज में, उसमें एमडी इंद्रवर्धन राजीव मोदी करके वो हुआ करते थे, उसके सामने सब मुझे खड़ा करके मुझे ये क्या बोलते तारीफ मिला, अप्रिशिएशन मिला। वो टाइम करीब 1.5 साल के काम का, 1.5 साल मैंने आईआरएम कैडिला में काम किया, उसका मेरा बहुत इतना मेरा हार्डवर्क की कामयाब उस दिन मेरे को मिला लेकिन। सो दैट इज़ कहाँ से शुरू हुआ है, एक लैक्टोसेप करके एक प्रोडक्ट की उन्होंने शुरू किया। फिर मैंने ऐड किया कैसा कैसा करना है, कैसा कन्विंस करना है, क्या प्रॉब्लम करना है, ये प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन ही अपना स्ट्रेंथ है, यही अपना करियर में आगे बढ़ा सकता है करके। फिर मैंने लैक्टोसेप के बारे में बोला, डैम्पोर डोपरन के बारे में बोला, उसके बाद वोलिट करके वो प्रोसोल के ब्रांड होते थे उसको बोला, उसके बाद अम्लोडोपिन ATE करके एक प्रोडक्ट हुआ करते थे। ऐसा एक एक प्रोडक्ट घुसता आया। सो मेरा प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ गया है ना। और सुप्रीवन करके एक्सपेक्टोरेंट लॉन्च किया था हम लोग, उसमें साल्बुटामॉल रहता है और ये डेक्सोमेथासोन, ऐसा एक साल्बुटामॉल कॉम्बिनेशन है, एक ब्रोमोक्सिन गुआफेनसिन, साल्बुटामॉल गुआफेनसिन ब्रोमोक्सिन, ऐसा 3 कॉम्बिनेशन की, उसको भी मैंने हम लोग क्या किया प्यू भी करना पड़ता, 50 बॉटल को एक गिफ्ट दिया करते थे, उधर जाके वो पूरा सब जगह जाके रखे और उसको प्रेशर जनरेट किया। ऐसा करते करते इतना 1.5 साल में एक मार्केट में मेरा ब्रांड क्रिएट किया, मेरा आइडेंटिटी क्रिएट किया। उसके बाद फिर मेरा काम देखे, मैं जीएस के ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन उस टाइम डिवीजन बना रहे थे, वो एक मैनेजर रेकमेंड किया मुझे फील्ड में उठा के, मुझे इधर पुना पोस्टिंग हुआ।
पुनः पोस्टिंग होने के बाद भी मेरा ताकत है प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन, प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन वही मेरा ताकत है, बाकी मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, बाकी मेरा कुछ ये नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, लॉबी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, और मेरा ये लॉबी नहीं है, सिर्फ मेरे को प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना मुझे आता था, वो स्किल्स में ऐड करते आ रहा हूँ, ऐड करते आ रहा हूँ, वो किसा शार्प करना है, वो शार्प करना है, लेकिन ये है मेरा मेन इंटेंशन वही, क्योंकि मैं समझ गया ये फार्मा में अपन को आगे जाना है तो अपन को प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन की अपना ताकत है, उसको कभी कमजोर नहीं बनाना, उसको आगे कैसा लेके जाना है उसके बारे में मैं बहुत विचार किया, उसके लिए क्या नॉलेज लगता है, उसको वॉइस मॉड्यूलेशन लगता है, डिटेलिंग लगता है, और कुछ डॉक्टर है उनको साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 100 डॉक्टर रहेंगे लेकिन 20 ही डॉक्टर है आपका ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ना, सो आपको 20 डॉक्टर की ये है वो उनको कैसा अपना पॉकेट में रखना है, उनसे कैसा उनका रिलेशनशिप में रखना है, वो मेरा बहुत सारे इनपुट आता है, कंपनी बहुत सारे इनपुट्स देती है, वो इनपुट में मेरा 20 डॉक्टर का खास करके देता था, उनका बात करता था, उनसे ऐसा नॉर्मल व्यक्ति नहीं, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बात करता था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में इंटरेक्ट करता था, उनसे सीखता था, लेकिन और ऐसा मुझे इतना ना मुझे जीएसके से नहीं बुलाते, जय कुमार करके मुझे बुलाते थे, बैठो क्या प्रॉब्लम है, क्या है ऐसा, ये कौन सा आज क्या तुम्हारा दिक्कत क्या है, वो ऐसा एक पता नहीं वो ऐसा लेवल में मैं क्रिएट हो गया, मेरे साथ एबीएम वगैरह काम करते थे, मुश्किल से मंथली एक आधा दिन काम करते थे, उसके बाद मुझे छोड़ देते हैं, मुझे फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एबीएम की फॉलोअप ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आरबीएम की फॉलोअप ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ टाइम पर बेचता था, डीसीआर हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है बेचता था, ये सब चीज़ है, ये डिसिप्लिन में एकदम पक्का रहता था, और ये नॉलेज में गेन करता था, और बाकी सब ये लोग अपना फार्मा फील्ड में क्या है फुल टाइम में काम करेंगे, वो तो काम नहीं करता है, वो करेगा दूसरा मजा उठाएगा मजाक करेगा, मैं काम करता था, वो लोग करने दो उनके काम है ना, वो लोग अपन को भी करप्ट करते थे, वो तुम मत करो तुम क्यों करता करके, लेकिन उनकी बात नहीं सुनना है कि वो उनकी जिम्मेदारी, मेरे को जिम्मेदारी काम करना है, मेरे को 8 कॉल करना आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, 10 कॉल करना 12 कॉल करना है, सो मैं खुद ओके करता था, फिर क्योंकि मेरे तो घर में भी कोई नहीं था, फिर रात को पढ़ता था, रात को मेरा दिन शुरू होती है, सब लोग मेरा फ्रेंड सब सो जाता है, फिर मैं 2-3 घंटे बहुत सारा बुक पढ़ता था, मेरा नॉलेज गेन कर रहा था, मेरा स्किल्स शार्प कर रहा था, स्किल सेट को इतना शार्प करता था, फिर सब लोग खुश हुए मेरा काम देखे, मेरा पर्सनालिटी देखे, है ना, मेरा भले मेरा जीएसके ने मुझे प्रमोशन की रुकाया है, प्रमोशन नहीं दिया, मुझे कुछ परवाह नहीं है, मुझे कुछ दुखी नहीं हुआ, लेकिन मेरा एक आइडेंटिटी क्रिएट किया मेरा मार्केट में, मेरा डॉक्टर मुझे मेरा कस्टमर मुझे इज्जत देता है, मेरा ए बी एम मेरे को इज्जत देता है, मेरे कोलिग्स मेरे को इज्जत देता है, क्योंकि ये जय कुमार एक रिलायबल पर्सन है ना, एक प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में बहुत आता है, डॉक्टर तारीफ करते हैं, कॉन्फ्रेंस में बोला तो भी जय कुमार हाँ ये बंदा है तो जय कुमार आता करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ऊपर पहुँचा देती है, लेकिन ऐसा फीडबैक हाँ फिर आइए भी बोलता अरे तुम्हारे बारे में डॉक्टर ने बताया है तारीफ किया है तुम्हारे बारे में, ऐसा अपन को ये छोटी छोटी चीज़ है मुझे बहुत अच्छा लगता था, और पैसा तो आते थे जीएसके में, पैसा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, अच्छा पैसा अच्छा इंसेंटिव देते थे, सैलरी टाइम पर आता है, एक्सपेंस टाइम पर आता है, सर ये है एक मेरा ताकत था वो प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन, अगर आपको आप कैरियर फार्मा फील्ड में आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप कोई लोग काम करते 5 साल हुआ 2 साल हुआ रहेगा जो भी साल हुआ रहेगा परवाह नहीं, आपको ताकत प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन में रहना है, अगर आपको ताकत प्रिस्क्रिप्शन में रहेगा ना फिर मार्केट आपको सपोर्ट करेगा, मार्केट आपको उठाएगा, मार्केट आपको इतना इज्जत देगा आप पूछेंगे नहीं, आपको उतना लेवल तक आपको लेके जाएगा, कभी कमी मत करना, कभी दूसरे के लिए काम मत करना, अपने लिए काम करना, कभी अपना नॉलेज अपना पर्सनालिटी अपना मार्क अपना ब्रांड बनाते रहना ताकि आप खुद सीखेंगे दूसरे को भी सिखा सकते हैं, कंपनी कुछ स्ट्रैटेजी दे रही है उसके पीछे वजह क्या है उसके रीज़न क्या है, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना वो भी एक आर्ट है,
उसके भी आपको मैनेजमेंट व्यू की मैनेजमेंट क्या सोचती है उसको आ जाती है उसके ऊपर प्रश्न कर सकते हैं। सो बहुत सारा चीज़ है आपको वो ये मार्केट सिखा देती है, सिखाना है ना। ये फार्मा में, फार्मा लाइन में आपको आगे बढ़ना है, फार्मा मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में आगे बढ़ना है, एक ही सक्सेस है, ओनली वन ट्रिक है, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन, प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बार आप प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे, बाकी सब चीज़ ट्रेन हो जाती है। स्टाफ की इज्जत करेगा, मेडिकल इज्जत करेगा, आपको कोलीग की इज्जत करेंगे, और आपका जॉब का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एकदम सारे दुनिया में कुछ भी होने दो, कुछ परवाह नहीं है, लेकिन आपका जगह आपका मिलेगा ही मिलेगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। ऊपर वाला दिखते बैठा है आपको लेवल, वो ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला आपको उठा के दे देगा, आपको कौन से लेवल में लेके जाना है वो बराबर जज करके आपको लेके जाएगा, वो एक विश्वास रखना है, ठीक है। सो होप सो ये मेरा स्टोरी, मेरा सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आया रहेगा, है ना। आप अपने लाइफ में कामयाब होना, कोई मेरा कोई भी ये वीडियो सुनते हैं देखते हैं, मुझे इच्छा है आप लोग सक्सेस रहना। मैं स्ट्रगल किया हूँ, लेकिन स्ट्रगल्स में मैं आ रहा नहीं हूँ, आगे बढ़ाऊँ। आपको भी स्ट्रगल रहेगा, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।